वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। यह बिल्कुल सच है कि सच बोलना जिन्ना औखा है, सच सुनना उस तो भी कितने ज़्यादा औखा है। बचपन विच स्कूलों विच यह सिखाया जाता है झूठ बोलना पाप है, इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए है। सच बोलन वाले आप भी सच बोलते हैं, अपने बच्चों नूं भी सच बोलन लई प्रेरित करते हैं। यह दिल दे साफ होंदे हन, इन्हां लोकां दा लोग उन्ना ही फायदा उठाते हैं। पर यह याद रखना, लोग इन्हां दा फायदा तो उठा सकते हैं पर इन्हां दे अंदर दी शांति नूं अपने अंदर नहीं लिया सकते, ना ही इन्हां नूं कदी शांति सुकून मिल सकता है, क्योंकि सच्चे इंसानां नाल हमेशा रब हुंदा है। ओह इन्हां नूं तत्ती हवा भी नहीं लगन दिंदा। साडी अज दी साखी तों वी इही सेध मिलदी है कि किस तरह एक मां ने हर औखी तों औखी घड़ी विच वी सच दा साथ देण लई अपने बच्चे नूं प्रेरिया, झूठ तो हर घड़ी दूर रहने लई कहा। जदों उस सच्चे साफ दिल बच्चे दा लोकां ने फायदा उठाना चाहिया तां रब ने किस तरह उन्हां दा मन ही पलटा दिता। एक बहुत ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनों लाइक अते शेयर जरूर करना। जिहड़े चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना और बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना और कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। किसी शहर विच एक सौदागर की मौत हो गई। उसका एक ही लड़का सी। जदों ओह जवान होया तां अपनी माता नूं कहन लगा, मैं भी पिता की तरह व्यापार करन जांदा हाँ। उस दी माता ने गोदड़ी विच वी मोहरां सियों दित्तियां अते कहा, जद तेनों परदेस विच लोड़ पवे तां कढ लई। फिर माता ने कहा, पुत्तर एक बचन मेरा जरूर मन्नी, एक बचन मेरा तू जरूर मन्नी, अगर तेरा सरबंस भी नष्ट हो जावे, किन्नी ही भारी मुसीबत क्यों ना पै जावे, पर तू कदे भी झूठ नहीं बोलना, यह मेरा बचन जरूर मन्नी। लड़के ने प्रण किया अते कहा, हे माता जी, मैं कदी झूठ नहीं बोलांगा। ओह लड़का गोदड़ी अते होर भी कुछ धन पदार्थ लैके व्यापार करन लई चल पिया। जदों रस्ते विच जंगल बियाबान वाला इलाका आया, उत्थे लड़के नूं चार पांच चोरां ने घेर लिया अते होर सारा धन पदार्थ लड़के दा लुट लिया। अते फिर चोरां ने पुछया, हे लड़के, जे तू धन होर किते छपाया होवे तां सानू दस दे। लड़के ने कहा, भाई मेरी गोदड़ी विच वी मोरां सीतियां होईयां हन। चोरां ने उस गोदड़ी नूं खोलिया अते विच्चों सचमुच ही वी मोरां निकलियां। चोरां ने कहा, हे लड़के, जे गोदड़ी वालियां मोहरां तू सानू ना दसदा तां तेरे काम आ जांदियां, क्योंकि असी तां गोदड़ी नूं छड्ड के जा रहे सी। लड़के ने कहा, मेरी माता ने मैनूं सिक्ख्या दित्ती है कि कदे भी झूठ नहीं बोलना, मैं तां अपनी माता दी आग्या दा पालन किया है। लड़के दे बचन सुन के अते सच्चाई वेख के चोरां दा हिरदा पिघल गया। आपस विच ओह कहन लगे, सानू धिकार है, ईश्वर की खलकत नूं असी सता रहे हाँ, ऐसे सत वादियां दा धन पदार्थ लुट के असी अपना पेट पालदे हाँ। अज तो असी भी प्रण कर लैंदे हाँ कि असी भी कदी चोरी नहीं करांगे अते मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करांगे। जिन्ना धन पदार्थ लड़के का उन्होंने लुटिया वह लड़के नूं वापस कर दिता अते ओह भी मोरां भी उस तरह ही सियों के गोदड़ी भी दे दित्ती। जिस नगर विच लड़के ने जाना सी उस नगर विच भी उसनों पहुँचा दिता। लड़के दे सच बोलन करके चोर ने भी अपने कुकर्मां तों तौबा कीती अते उन्हां नूं छड्डन दा निर्णय कर लिया। सचमुच ही सच बोलन नाल अंतां करन दी शुद्धि अते संसार विच शोभा हुंदी है।
क्योंकि सच बोलन वाले दे नाल हमेशा रब हुंदा है अते किते ना किते उस दे बोल सामने वाले नूं वी प्रेरदे हन झूठ छड़ देन माड़े कर्मां नूं छड़ देन क्योंकि इन्हां कर्मां दे नाल जीवन विच कोई खुशी हासिल नहीं हुंदी अते एक बेचैनी ही रहिंदी है जो कि शांति दे नाल जीन ही नहीं दिंदी। भगत फरीद जी भी कहिंदे हन धर्म सहित सदा ही सच बोलीए अते झूठ कदे ना बोलीए क्योंकि थाओ ना पाईअन कुड़ियार मोह काले दोजक चालिया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।